आपको बताऊंगा कि किसी भी एंड्रॉइड फोन को हैक कैसे करते हैं। हैक मतलब उसकी कॉल डिटेल्स, एसएमएस डिटेल, उसके फोटोज, वीडियोस, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आप कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक एपीके फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो उस वो फाइल आपको कहाँ से मिलेगी वो मैं बता रहा हूँ अभी। तो आपको गूगल में जाना है, गूगल में जाके आपको टाइप करना है स्पाइव में, ये अब इस पे क्लिक करना है स्पाइवमैन एंड्रॉइड मोबाइल ट्रैकर ऐप। इस पे ये क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड नाउ पे आपको क्लिक करना है, ये वाले इस पे क्लिक कर लीजिए। और फिर यहाँ डाउनलोड स्पाइवमैन वर्जन 10.5 इसको डाउनलोड करके विक्टिम के फोन में आपको डालना है। इसको वो फोन आपके पास 2 मिनट के लिए होना चाहिए, विक्टिम का फोन जिसको आप हैक करना चाहते हो उसके फ़ोन में ये एपीके फाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी पड़ेगी। आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, चाहे तो मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप से करने के बाद मोबाइल में इसको डाल दूंगा इस ऐप को और इंस्टॉल कर लूँगा। अब मेरी मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करना है ये थोड़ी ध्यान देने की वाली बात है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि इसको काफ़ी जगहों से परमिशन दिलानी पड़ती है इस ऐप को। तो हम कैसे करते हैं, चलो मेरी मोबाइल स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए दोस्तों, अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉलिंग हो रही है, थोड़ा टाइम ले ले रहे हैं। अब इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ से कुछ ऐसा दिखेगा ओपन होने के बाद, मैं स्किप कर देता हूँ इसको। अब ये ध्यान देने वाला पॉइंट है कि इसको परमिशंस कैसे दिलाते हैं। सबसे पहले मैं डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करूँगा और एक्टिवेट कर दूँगा ऊपर, एक्टिवेट का जो ऑप्शन आ रहा है इससे। अब दूसरा नोटिफिकेशन सर्विस को एक्टिवेट करेंगे, इसके लिए सिक्योर सर्विस में क्लिक करूँगा यहाँ पर और ओके पे। अब एसेसिबिलिटी सर्विस को दिलाएंगे। अब सिक्योर सर्विस दिख रहा है, इसको ऑन कर दीजिए आप यहाँ से ओके। अब कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, आई एग्री पे क्लिक। डिवाइस नेम देना है आपको, डिवाइस नेम कुछ भी दे सकते हैं, मैं नाम दे देता हूँ। मोबाइल नंबर देना है आपको, अपनी ईमेल आईडी भरनी है यहाँ पे आपको। मैं अपनी ईमेल आईडी भर देता हूँ, आपकी जीमेल आईडी हो आप वो भर सकते हैं। उसका पासवर्ड आपको ध्यान होना चाहिए। ये विक्टिम के फोन में दिखाई नहीं देगी, इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं। अब अनेबल स्टेलथ मोड, मतलब इसके बाद ये ऐप आपके फोन में दिखाई नहीं देगी, विक्टिम के फोन में दिखाई नहीं देगी, इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अब आपको लॉगिन रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक करना है। मैं अपने लैपटॉप साइड स्क्रीन पे हूँ और वो आईडी डालनी है जो आपने वहाँ पे इंस्टॉल करते वक्त अपने फ़ोन में डाली थी। मैंने क्या डाला था फ़ोन में, मैं वो आईडी डाल देता हूँ। अब आईडी का पासवर्ड डालना है आपको, और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ये वेरीफाई करने, ये वेरीफाई करेगा ईमेल अकाउंट को आपको, आपके ईमेल अकाउंट को। तो मैं अपने फोन से वेरीफाई कर देता हूँ इसको, रिसेंड कर देते हैं। फोन से वेरीफाई करूंगा मैं इसको, ये वेरीफाई हो चुका है। अब मैं दोबारा से लॉगिन करता हूं इसको।
थोड़ा टाइम लग सकता है इस प्लगइन में। अब देखिए लॉगिन हो चुका है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आप उसकी कॉल लॉग्स देख सकते हैं, उसकी कॉल डिटेल्स मतलब सारी मिलेंगी इसमें। ये एसएमएस रहे आप यहाँ से देख सकते हैं, जीपीएस लोकेशन उसकी देख सकते हैं। और मैं आपको ये एक बात बताता हूँ कि ये एक पेड सर्विस है, आपको इस कंपनी को कुछ पैसे पे करने होंगे, उसके बाद से ही आप जैसे कॉल रिकॉर्डिंग्स, वेब डिटेल्स, सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स और फोटोज़ इमेजेस देख सकते हैं उसके बाद से ही। तो मैं कॉल लॉग्स दिखा देता हूँ आपको, आपको एक एक चीज़ नज़र आएगी इसमें। जैसे देख लिए ये उसकी आउटगोइंग इनकमिंग की सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे, पर मैं बैक कर लेता हूँ, डैशबोर्ड पे चलते हैं। यहाँ से आप कॉल डिटेल्स, जीपीएस लोकेशन, एसएमएस रिकॉर्ड, ऐप डिटेल्स, उसके फ़ोन में क्या क्या ऐप्स इंस्टॉल है वो देख सकते हैं आप, जैसे कि अभी दिखा दे गए, अगर इसमें रिक्वायर नहीं हुआ तो वो। ये देखिए डब्ल्यू पी एस ऑफिस, मूवी स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह वगैरह, डिवाइस की इंफॉर्मेशन आपको देखनी है यहाँ पे क्लिक करना है आपको डिवाइस इंफॉर्मेशन पे। ये वाईफाई ऑन है उसका, एंड्रॉयड वर्जन ये है, ये आईडी यूज़ कर रहा है, ये मोबाइल नंबर है, ऐप वर्जन वगैरह दिखाया जाता है, फ़ोन का आईएमईआई नंबर, मॉडल नंबर ओप्पो 837F। लाइव रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप उसके फ़ोन से, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, पर ये तभी होगा जब आप कंपनी को कुछ पैसे पे कर देंगे। फोटोज, इमेज, फाइल एक्सप्लोरर, मतलब उसकी क्या क्या स्टोरेज में क्या क्या सेव है ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है, जैसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे किसको मैसेज कर रहा है, किसको क्या कुछ कर रहा है। रिमोट कंट्रोल, यहाँ से आप उसके फ़ोन को वाइब्रेट कर सकते हैं, रिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके लोकेशंस देख सकते हैं, यहाँ से आप इस ऐप को अनेबल डिसेबल कर सकते हैं, मतलब उसके अब यहाँ अगर डिसेबल कर दिया तो ये फ़ोन, उसके फ़ोन जो ऐप आपने विक्टिम के फ़ोन में डाला था उसके में ये दिखने लगेगा। यहाँ से आप उसकी ब्राउजिंग डिटेल्स देख सकते हैं, मतलब वो क्या इंटरनेट पे क्या सर्व करता है, कुछ भी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू फ्रेंड्स।